हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई कमेंट है या कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं, तो कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, एक आपको एक छोटा सा प्रोग्राम के द्वारा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका और जो भी डाउट है थोड़े बहुत क्लियर हो। ओके फ्रेंड्स, देखिए किस प्रकार मैं एक वेरिएबल की प्रिंट कराता हूँ वैल्यू को, ठीक है, तो उसके बारे में प्रोग्राम है। देखिए छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा, वॉइड में स्टार्ट किया है, ठीक है। आप उसके ऊपर हेडर फाइल ऐड करिए, तभी काम कर रहे हैं, ठीक। इंटीजर मैंने लिखा है, डेटा टाइप, ठीक है, उसका एक पॉइंटर बना लिया, एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल एक और नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पर एस्ट्रिक साइन लगा दिया एक के लिए, और बी के लिए हम नॉर्मली रखा है, ठीक है। बी में क्या करा फ्रेंड्स, मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। टेन, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो पॉइंटर है हमारा, है ना, उसमें क्या किया, बी का एड्रेस को स्टोर कर दिया, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले कंपाइलर रन करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, बी के लिए मैं बता रहा हूँ, बी के लिए सबसे पहले वो क्या करेगा, उसे पता चला बी हमारा वेरिएबल है, डिजिट डेटा टाइप का, तो बी के लिए वो क्या करेगा, स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक है। उसको एक एड्रेस देगा, वहां पे क्या करेगा, 10 वैल्यू को स्टोर कर देगा, जो कि हम जानते हैं कि हमारा जो बिट का साइज रहता है, जो हमारा 4 बाइट रहती है इंटीजर का, तो वो 200 से लेके 204 तक के लिए वो किसको वैल्यू असाइन कर देगा, बी के लिए एड्रेस असाइन कर देगा, ठीक है। इस तरीके से अब एक में जो एड्रेस आएगा, जो हमारे ये जो पॉइंटर है, ठीक है, हमने एस्टिक साइन लगा के पॉइंटर बनाया था, जो उसमें क्या किसका एड्रेस आ जाएगा, एन परसेंट बी से लिखने से, तो उसमें बी का एड्रेस स्टोर हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें स्टोर हो गया ए में। अब फ्रेंड्स, अब प्रिंट कराना, अब मुझे बी की वैल्यू को प्रिंट कराना, क्योंकि बी हमारा नॉर्मल वैल्यू है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने किस तरीके से कराएंगे, पॉइंटर और वैसे किस तरीके से कराते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बी को हम एक तो नॉर्मली प्रिंट करा सकते हैं जैसे हम कराते हैं, ठीक है। उस तरीके से मैंने बी को प्रिंट करते हुए क्या आउटपुट आएगा, 10 आएगा, परसेंट डी लिखेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से ये बी को वैल्यू को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आप बी लिख दीजिए, क्योंकि मैंने ए लिख रहा हूँ, आप बी लिख दीजिएगा, ठीक है, परसेंट डी। अब एस्ट्रिक साइन, ये क्या करें, एस्ट्रिक साइन फ्रेंड्स, ये क्या करें, ए क्या है, ए में हमारा क्या स्टोर है, बी का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। बी का एड्रेस एस्ट्रिक साइन लाने से क्या करेगा, वो सीधे उस किधर जाएगा, बी पर जाएगा, और बी पर जो वैल्यू स्टोर होगी उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करा सकते हैं, बी की वैल्यू को भी एस्ट्रिक ए लिखने से भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अब ए हमारा क्या है, ए को हम किस तरीके से ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, एन परसेंट बी, एन परसेंट बी, और एक यही बात है, क्योंकि इसमें एड्रेस क्या है, इसमें आप जो देखेंगे एन परसेंट बी में क्या है, ये एड्रेस है, एड्रेस क्या है, ये हमारा एन परसेंट एस क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर होता है, जिसके बगल में लगा हुआ है वो किसका है, बी का। तो इंटीजर डेटा टाइप जब एन परसेंट क्या करेगा, वो इंटीजर डेटा टाइप के बी के वेरिएबल की एड्रेस पे जाएगा, ठीक है। और एस्टिक साइन लगाने से क्या हुआ, उस लोकेशन पर जहां पर वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करेगा, उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या फ्रेंड प्रिंट हो गया, 10। देखिए आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, एन परसेंट ये एस है, बी तो 10 200 है, तो या 200 लिखे या बी लिखे, ए लिखे, इस तरीके से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि, ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। हम इस तरीके से हम बी को प्रिंट करा, बी की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करा सकते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स, अब किस प्रकार हम एड्रेस को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, बी के जो एड्रेस है उसको किस प्रकार प्रिंट कराएंगे वो देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, प्रोग्राम फिर से मैंने लिख लिया, व्हाइट पेन से स्टार्ट करा, ठीक है, एंड इंट मैंने डेटा टाइप लिया, ठीक है, उस वही प्रोग्राम है, एस्ट्रिक क्या करा, एस्ट्रिक लगा के साइन उसको पॉइंटर बना लिया, ठीक है। अब बी है क्या, हमारा एक वेरिएबल बना गया इंटीजर का, ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये वेरिएबल, ठीक है। अब फ्रेंड्स, बी में मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दिया, ठीक है। अब ए में क्या है, एड्रेस स्टोर कर लिया मैंने बी का, ठीक है, बी का हमने, बी का जो एड्रेस है ए में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, को प्रिंट कराने के क्या करें, देखिए परसेंट यू का हमने इस्तेमाल किया, ये परसेंट यू क्योंकि हमारा जो एड्रेस होता है अनसाइंड टाइप का होता है, तो इसके लिए हमें परसेंट यू का यूज करना होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में और जानना है, फॉर्मेट, ये हमारे एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इसके आर में आपको जानना है, तो किस टाइप के डेटा टाइप के लिए हमें किस टाइप का फॉर्मेट की जरूरत होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम से, तो आप उसके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं प्लीज गाइस, उसके बारे में आप जान लेंगे तो और आपको अच्छे से और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, ठीक है।
परसेंट यू का इस्तेमाल करते हैं हम एड्रेस के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि एन परसेंट एयर से जो होता है एक एड्रेस ऑपरेटर होता है जो कि हमारा क्या बताएगा, बी का एड्रेस को बताएगा। ठीक है, तो बी का एड्रेस इस तरीके से हम प्रिंट करा, ठीक है, जो हमारा क्या होगा, जो बी वेरिएबल होगा उसका जो एड्रेस होगा उस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप इसका दूसरा तरीका देखिए, एन परसेंट यू, यही सेम तरीका, ये फॉर्मेलिटीज में इस बार तो चेंज नहीं हो क्योंकि हमें एड्रेस का प्रिंट कराना है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो उसमें क्या है, एड्रेस आ गया है, तो एड्रेस को इस तरीके से भी प्रिंट करा सकते हैं, यही लिख देंगे सीधे इस तरीके से। क्या होगा फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होगा, प्रिंट कर देगा बी का एड्रेस, क्योंकि हम बी में हमने जब भी इसको क्या किया था फ्रेंड्स, हमने बी का एड्रेस इसमें स्टोर करा दिया था, तो इस तरीके से हम इसमें प्रिंट करा सकते हैं बी के एड्रेस को। फ्रेंड्स देखिए, दूसरा तरीका है, आप देखिए एन परसेंट ए लिखा है, एन परसेंट ए क्या करेगा, ये मैंने बताया था एड्रेस ऑपरेटर होता है, तो वो क्या करेगा, एड्रेस ऑपरेटर जाएगा, आप इससे पता लगा कि क्या है, ए क्या है हमारा पॉइंटर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंटर है ये, तो पॉइंटर का भी कोई ना कोई, तो जो पॉइंटर इसने वेरिएबल बनाया तो उसका भी कोई ना कोई एड्रेस रहा होगा, तो वो कंपाइलर जाएगा, तो वहां पर क्या करेगा फ्रेंड्स, तो वो ए के जो एड्रेस होगा, ठीक है, ए कोई भी मेमोरी में एलोकेशन जगह मिलेगी तो वहां पर भी उसका क्या होगा, एक एड्रेस होगा, तो उस एड्रेस को प्रिंट कर देगा। मान लीजिए ए का क्या एड्रेस है 110 है, तो वो क्या करेगा फ्रेंड, ए जो पॉइंटर है उसका एड्रेस को प्रिंट कर दे, इस तरीके से हम ए के एड्रेस को भी प्रिंट करा सकते हैं। इस तरीके से हम एक क्या करें, एड्रेस प्रिंट कराने का मेथड को समझ पाए, ठीक है, पॉइंटर के द्वारा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया हो, ठीक है गाइस।